ना पापा के साथ में एक छोटी सी राइड होने वाली है, काम हालत खराब हो गई और ये सीट तो भाई इतनी गर्म हो गई। और आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, तुम्हारे भाई ने ना किस तरीके से ड्राइविंग सीख ली है, मतलब परफेक्ट हो गया। नहीं हुआ अभी भाई, आप लोग को एक बात बताता हूँ, पापा के साथ में जाते जाते ना पुराने सॉन्ग सुनने के लिए मिल रहे। कार सीखता, अगर वो बीच वाली रोड में ला गया भाई गाड़ी कुछ चला के ना, तो समझ लो भाई वो बंदा ना कहीं भी चला सकता है। लेकिन आ चुके हैं भाई अपनी गाड़ी के लिए टायर देखने के लिए। नजारा चेक करो गाइस। जी भाई लोग, क्या हाल है आपके और नई वाले ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 11-12 बजे से, तो आज का मौसम दिखाते दोस्तों आप लोगों को। ये देखो भाई, आज का बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, इतनी सारी धूप ही धूप हो रही है। बाकी ये लग हुई है अपनी गाड़ी जिसको लेके जाने वाले हूँ थोड़ी देर। मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से पापा के साथ में मार्केट। मार्केट में जो है ना पापा का छोटा सा काम है, तो वो काम करवाने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से अभी हम दोनों ही जा रहे हैं फिलहाल। तो बाकी चलते हैं दोस्तों, तो बने रहना हमारे इस वीडियो में, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल हम लोग फटाफट चलते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लेट वेट हो रहे हैं। अपनी गाड़ी का कवर वर हटाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, तो तुम्हारा भाई लेके जाएगा यहाँ से। और आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, तुम्हारे भाई ने ना किस तरीके से ड्राइविंग सीख ली है, मतलब परफेक्ट हो गया। नहीं हुआ अभी तो आप लोगों को पता चलेगा। बाकी चलते हैं यार दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो हटाते हैं गाड़ी का कवर वर। और आजकल देखो भाई असोज लग रखा है, जिसकी वजह से भाई पूरा ना यहाँ पे सूखा सूखा सा लग रहा होगा, हरा हरा तो कुछ है ही नहीं, अब सब काट दिया है। तो बाकी इसका कवर अवर हटाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं हम लोग को यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लेट डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ डेली। दोबारा से तो आप लोग क्या बोलते हो भाई, कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर आप लोग बोलोगे ना भाई कि डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग चाहिए, तो ज़रूर यार मैं डेली बनाऊँगा। लोग कॉमेंट करना और चलते हैं अभी हम अंदर गाड़ी के। इसके अंदर ना काफी ज्यादा गर्मी हो रही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप लोगों को ले चलते हैं, अभी मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। और भाई गाड़ी के अंदर इतना गर्म हो रहा है, क्या बताऊं मैं आप लोगों को भाई साहब। ओह हालत खराब हो गई, और ये सीट तो भाई इतनी गर्म हो रही है, क्या बताऊं यार भाई साहब, गजब हो रहा है यार। अभी देखना भाई, पसीना पसीना हो जाएगा मुझे पूरा। कोको है ना हमारा भाई, रोज घुस जाता है हमारी गाड़ी के नीचे। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों इस वक्त अपनी ड्राइविंग सीट पे। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। तो हम लोग ना निकल रहे हैं, एक बार पहले मैं अपनी गाड़ी को कर लेता हूँ स्टार्ट। दोस्तों फुल पावर हो चुकी है अपनी गाड़ी स्टार्ट, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नहीं तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से। और भाई गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या बताऊं यार। फिलहाल हम लोग निकलते हैं दोस्तों यहाँ से फटाफट। और देखो भाई आजकल चल रहा है असोज, सारे लोग ना अपने अपने खेतों में लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो जी हम लोग निकल चुके थे घर से, तो भाई पापा ना डायरी भूल गए हैं घर पे ही, तो दोबारा से वो चले गए हैं घर। अरे देखो भाई ये आ रहे हैं, आजकल असोज चल रहा है, ये लेके आ रहे हैं घास खेत से। तो अभी हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं भाई अल्मोड़ा की तरफ। तो क्या कुछ होता है पापा के साथ में इस राइड में, समझ लो भाई ये ना पापा के साथ में एक छोटी सी राइड होने वाली है, काम उनका है, लेकिन भाई मुझे तो सिर्फ चलाना है ना, तो समझ लो भाई कि पापा के साथ में होने वाली है राइड। तो यार बाकी भाई गर्मी इतनी हो रही है ना यार, क्या बताऊं भयंकर गर्मी। और सुबह से हम लोग भी ना काम वाम में लगे हुए थे अपने खेत के, जिसकी वजह से मैं भाई वीडियो वीडियो भी बना नहीं पाया। उठने के बाद ना मुझे काफ़ी मतलब टाइम ही नहीं हुआ भाई, समझ रहे हो। बाकी अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे।
आपका भाई बाड़ीचिना में, बाड़ीचिना में हमारा थोड़ा सा काम है तो ये करते हैं, उसके बाद अपना काम वाम करने के बाद निकलते हैं। तो दोस्तों बाड़ीचिना से थोड़ी नीचे आके मैंने लगा लिया सीट बेल्ट, क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, और भाई पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा तंग वंग करते हैं ना, तो ज़रूरी है भाई वैसे तो सीट बेल्ट लगा के भाई अपनी सेफ्टी है। बाकी यहाँ निकलते हैं भाई, हम लोगों को बच चुके हैं भाई यहीं बाड़ीचिना में ही तो, और अभी हम लोगों को भाई वापस भी आना है 6 बजे, तो आज तो हमको 6 बजे जाएंगे शाम को, तो बाकी देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। पेट साल में हम रुके हुए हैं अभी, अपना ढाबा नाम का है कुछ ढाबा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको ना कुछ पापा को काम था, पापा गए हुए हैं वहाँ पे, देखो भाई। और कैमरा प्रॉपर पकड़ने के लिए भाई मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तो पापा को भी देंगे तो भाई कितना पकड़ेंगे, वो भी इरिटेट हो जाएंगे, हम तो संभाल सकते हैं लेकिन घर वाले नहीं झेलेंगे। और भाई आप लोग को एक बात बता दूँ, पापा के साथ में जाते जाते ना पुराने सॉन्ग सुनने के लिए मिल रहे, हाँ जी। तो दोस्तों हम इसी के साथ पहुंच चुके हैं आपका चिते मंदिर के पास में, और आप लोगों को दिखाते हैं भाई चिते का माहौल कैसा हो रहा है, ठीक है। ये देखो इतनी सारी गाड़ियां लगी, एक तो आज संडे का दिन है ना, बोलो जय गोलू देवता, कृपा बनाए रहना हम पे और हमारे देखने वालों पे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग ना पहुंचने वाले हैं भाई आपका एनटीडी में, बाकी आपको दिखाते हैं आगे आगे भाई क्या कुछ रहेगा आज का सीन अपना ना। ठीक है दोस्तों फाइनली हम लोग आपका पहुंच चुके हैं एनटीडी में भाई, अभी हम लोग ना यहाँ से निकल रहे हैं आपका बीच वाले रास्ते से। बीच वाला रास्ता कौन सा है आप लोग को तो पता ही होगा, अगर जिनको नहीं है बता देता हूँ भाई, यहाँ से ना सीधे सामने को रोड गई है, इंडिकेटर दिया है मैंने। ये देखो भाई यहाँ से हम लोगों को ना ये वाली रोड जो है नीचे को धारनौला को, और ये है मार्केट को सीधा, तो अभी हम लोग बीच की रोड से निकल रहे हैं, और अब मैं देता हूँ कैमरा पापा को पकड़ने के लिए। संडे है भाई, ये वाला रास्ता ना खुले रहता है, और दिन जो है इसमें वन में ही रहते थे। तो दोस्तों आप लोग को एक बात बताता हूँ, अल्मोड़ा आने के बाद ना भाई जो भी बंदा भाई नया नया कार सीखता है, अगर वो बीच वाली रोड में ला गया भाई गाड़ी कुछ चला के ना, तो समझ लो भाई वो बंदा ना कहीं भी चला सकता है, लेकिन ये रोड इतनी गंदी हो रही है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, और एक तो ना ये रोड भाई फिक्स है ना, हर एक गाड़ी वाला भाई अपनी साइड चलेगा और दबा के लेके जाएगा अंदर, बिल्कुल भी जगह नहीं है इस रोड में, देख सकते हैं आप लोग। बाकी अभी हम लोग ना पहुंचने वाले हैं भाई आपका साईं बाबा मंदिर के पास में, उसके बाद हम लोगों को जाना है भाई पेट्रोल पंप के पास में, वहां से जो है ना हमारा बड़ा भाई आएगा, फिर हम लोग जाने वाले हैं वहां से खोल्टा, तो खोल्टा में हमारा काम, तो भाई चलाने में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है, खैर गाड़ी वालों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है भाई, क्योंकि ये रोड ना बहुत फिक्स है, मतलब इसमें इधर उधर कहीं भी नहीं हो सकता, जरा सा भी कोई रॉन्ग है ना तो नीचे से बाइक वाले स्कूटी वाले उड़ान आते, तो हो जाएगा भाई काम का, मतलब एक तो आज संडे है भाई, आज तो भीड़ कम है वैसे तो, और दिन तो इस रोड में ना भाई इतनी सारी बाइक, इतनी सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक रहता ही रहता है, आप देखो भाई पूरी रोड ना खाली खाली है। तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका भाई मिलन चौक में, देखो भाई मार्केट आज पूरी बंद है और ना, बाकी अभी चलते हैं हम लोग नीचे पेट्रोल पंप के पास में, मिलने वाला है हमारा भाई। तो सामने को इधर साइड को रहा आपका शिखर होटल भाई, शिखर होटल से थोड़ी आगे जाके भाई एक चौराहा टाइप का मिलता है, वहाँ पे हम अभी खड़े हैं, अभी हम लोगों को जाना है यहाँ से खोल्टा की तरफ भाई, खोल्टा वाली रोड ना ये है देखो भाई, कॉलेज वाली रोड में पड़ता है नीचे, वैसे तो कॉलेज के लिए इधर से भी जाते हैं लेकिन हम लोग जाएंगे इधर से। दोस्तों हम लोग यहाँ पे खोल्टा में पहुँच चुके थे और यहाँ पे अपना काम हम लोगों ने करवा लिया है, और बाकी भाई यहाँ से अभी कुछ थोड़ा बहुत और काम रह रहा है हमारा, अभी बताते हैं आप लोग को, अभी आगे जा रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपनी गाड़ी के लिए टायर देखने के लिए, क्योंकि भाई इसके ना दोनों के दोनों टायर गंजे हो गए हैं देखो, और अभी हम लोग आए हुए हैं भाई जलाल बैंड से आगे पे, तो अभी हम लोग यहाँ पे पूछते हैं रेट वेट भाई गया हुआ है अंदर, अरे बुलेट का डायरी है।
ये रहा भाई बुलेट का टायर। हमारे बुलेट में भी ना भाई टायर वायर उसका अगला टायर तो पूरा ही घिस चुका है। तो अभी हम लोग आए हुए थे टायर के लिए, तो इसके बारे में भी पूछ लिया। और बाकी टायर ये रहा भाई अपने कार के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टायर के लिए हमने पूछा, तो भाई टायर अभी यहाँ पे ना काफी ज्यादा महंगा है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से और कहीं पूछेंगे या बाद में देखेंगे भाई क्या होता है अभी। ओके तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को तब तक का अल्मोड़े का शाम का नजारा। दोस्तों इसके साथ हो रहा है भाई सनसेट का टाइम, ये चेक करो आप भाई। सूरज देवता ना बिल्कुल रेड रेड से दिख रहे हैं यहाँ पर से। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं तो एंड, तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं दोस्तों फुल पावर दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक का ध्यान रखो आप सब। और एक बार ये वाला नजारा चेक करो गाइस।